दिल को सजा मिलने की चर्चा सारे नगर में फैल गई। रानी काछल भी अपने बेटों को मरना सुन छाती पीटती, सर धुनती, जाह्नवी को कोसती अपनी बहन के महल में आ पछाड़ खाकर गिर पड़ी। रानी वैचल ने अपनी बहन काछल को दिलासा दिया कि अब रोने और जिंदगी खोने से कुछ हाथ नहीं आना। चौहान वंश का कोई बुरा न कहे, मेरी खूनी जहार को सख्त सजा दी है और रानी सीरियल को भी। इस प्रकार तसल्ली मिलने और जाह्नवी और रानी सीरियल के दुख से दुखी हो काछल ने कहा, बहन जो होना था हो गया, अर्जुन सर्जन की इतनी ही जिंदगी थी। चौहान वंश पर रहम कर, कोई तो नाम ले और पानी देवा कुल में रहना चाहिए। जाहर व रानी सीरियल का कसूर माफ़ कर दो। अपनी बहन काछल के वचन सुन रानी वाचल उसके गले मिलकर खूब रोई और कहा, जाहर नीच की मैं शकल भी नहीं देखना चाहती। मैंने जो प्रण किया है जिंदगी भर नहीं तोड़ूंगी। मैं कुलघाती को माफ़ कर अपने वंश पर दाग नहीं लगा सकती। अगर तू इसकी सिफारिश करेगी तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। उस समय मुसलमानों की सोबत में मेरे चांद सूरज से लालों को मार कर कुल में कलंक लगा दिया। अगर इसने अदर पाँव धरा तो मैं खुद अपने हाथ से उसे कत्ल कर दूंगी। रानी वाचल को गुस्से में देख और उसकी बात सुन काछल चुप हो गई। अब रानी सीरियल का हाल पाठक देखो, वो बेचारी कर्मों की मारी क्या क्या विचार करती है कि आज तक की सबसे बड़ी बूढ़ी माताएं बहू का ही दोष बताती हैं। आज आंखें खुलकर देखें, हम दोनों पर किस प्रकार जुल्म ढाया गया है। ईश्वर इन बेअकलों से इनकी ना समझी का जरूर बदला लेगा। सती नार की आह खाली नहीं जाती, मैं यहाँ ठीक दोपहर में काग उड़ाती हूँ, उनका न मालूम क्या हाल होगा। मैंने बड़े बड़े जुल्म के कितने किस्से सुने हैं और यह भी सुना है कि डायन भी अपने बेटा बेटी की रक्षा तन मन धन से करती है। पता नहीं मैं अपनी सास को किस प्रकार समझाऊं। मेरे मुंह से तो यह बद्दुआ निकलती है कि पापिन अगले जन्मों में भी संतान के लिए तरस तरस कर मरे। रात दिन रानी सीरियल इसी प्रकार सिर धुन धुन कर जाहर की याद में रोया करती थी। उधर वन में छिपे जाहर ने सोचा कि मेरी रानी सीरियल के संग कैसी बीत रही होगी, पता करना चाहिए। वह रानी की याद कर अधीर उठा। न मालूम माता के जुल्म से सकर उसके नाजुक बदन का क्या हाल हुआ होगा, किस प्रकार पता लगाया जाए। जाहर भी इसी चिंता में सोच विचार कर रहा था कि प्रभु कृपा से गुरु गोरख का प्रमुख चेला पूरन मूल भक्त घूमता फिरता उसी बाग में आ पहुंचा। जाहर वीर ने पूरन मल को पहचाना और अपना बड़ा गुरु भाई जानकर उनके चरणों में शीश झुकाया। पूरन मल ने जाहरवीर से इस प्रकार छुपकर जीवन बिताने का कारण पूछा। इस पर जाहरवीर ने सिलसिलेवार सारी विपत्ति की कहानी कह सुनाई और पूर्णमल से कहा, भाई मेरा एक काम तुम्हें करना है, जिंदगी भर एहसान न भूलूंगा। किसी प्रकार शहर दरदेड़ा में जाकर मेरी रानी से उसके दुख सुख की चिट्ठी ला दो तो उस पर मेरी माता ने क्या क्या जुल्म किया है, वो जिंदा भी है या नहीं, वह जहाँ वो रहती है उस जगह का निशान पता ला दो। किसी रोज़ मौका देख रात के समय में भी जाकर उसे मिलाऊंगा। पूर्णमल ने जाहरवीर को दिलासा दे गमन किया और शहर दरदेड़ा में आकर अच्छी जगह देख धुनी लगा दी। गुरु गुरुनाथ के प्रमुख चेले पूर्णमल ब्रह्मचारी के तेज को देख नगर भर के नर नारी दर्शनों को आने लगे और सबकी जवान पर यही चर्चा थी कि रानी वाचल ने अपनी बहू रानी सीरियल के सुहाग से वंचित कर स्याहे भवन में रहने भेज दिया है। रानी सीरियल से किसी को मिलने व बात करने की सख्त मनाही है। भक्त पूर्णमल को मनचाहा पता मिल गया। उसने एक चिट्ठी लिख धुनी से उठ भिक्षा के बहाने नगर में फेरी की। नगर में भिक्षा मांगते हुए स्याहे भवन पर पहुंचकर अलग जगाया तथा खिड़की के रास्ते चिट्ठी फेंक दी। रानी सीरियल ने भक्त पूरनमल को फेंकी चिट्ठी को पढ़कर उत्तर लिखा। भिक्षा के दाल आटे के साथ पूरनमल भक्त की झोली में डाल दी। पूरनमल रानी सीरियल से भिक्षा ले सीधा चल वन के बाग में जहाँ जाह्नवी छुपा था अपनी झोली में से चिट्ठी निकाल कर दे दी। जाह्नवी ने अपने गुरु भाई की चरण छू चिट्ठी खोलकर पढ़ी। चिट्ठी पढ़ते ही जाह्नवी कांप उठा। उसमें लिखा था, प्राणनाथ अगर पूरनमल के द्वारा आपका पत्र नहीं मिलता तो मैं साधन मिलते ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेती। अपने दुखों का सारा हाल रानी सीरियल ने लिखा कि सास बाछल ने रानी ने कैसे जुल्म उस पर ढाए हैं। अगर पत्र की हुहू नकल लिखी जाए तो हमारे पाठकगढ़ रो पड़ेंगे। इसलिए पाठकगढ़ स्वयं ही अनुमान लगा लो कि हिंदू जाति कितनी दुष्ट है। जाह्नवी रानी सीरियल के पत्र को पढ़ बेचैन हो गए उठे और उसने अपनी पत्नी से रात को मिलने का पक्का इरादा कर लिया। ठीक रात के 12 बजे भेष बदल अपने को छिपा स्याहे भवन का कुंडा को जा खटखटाया। सती तो पति के इंतजार में ही थी। उसने झट दरवाज़ा खोल दिया। जाह्नवी ने अपनी पति को गोली लगाकर उसे धैर्य बनाया और सुबह 4 बजे उठकर रानी सीरियल से कहा, माता का डर है, अब जा रहा हूँ, फिर मौके से आऊँगा और तुझे दुख से आज़ाद कर दूँगा। जाह्नवी को जाता देख रानी सीरियल अधी उठी। जाह्नवी वन में जाकर छिप गया। जाह्नवी जब भी मौका देखता रात के वक्त रानी सीरियल के स्याहे भवन में आता और रात के अंधेरे में ही अपने नीले घोड़े पर चढ़कर अपने स्थान को रवाना हो जाता। इसी तरह सावन का महीना तीजों का त्यौहार आ गया। नगर की नार राग मल्हार गा बन अपने पतियों को रिझाती। यह देख सब काछल बोली, बहन बाछल नाराज न हो तो एक बात कहूँ, बाछल बोली कहो।
काछल बोली, मेरी राय है कि बहू को सजा खत्म कर दो। सारे नगर की रानी नारियाँ 30 झूलती हैं, उसे भी श्रृंगार बनाने व 30 झूलने का मौका दो। रानी वाछल ने काछल की बात को सुन स्याहे भवन में रानी सीरियल को जाकर देखा। जहरवी रात में आया था, वह श्रृंगार के कपड़े पहनी थी, अभी वह काले वस्त्र न पहन पाई थी। वाछल अपनी बहू का श्रृंगार देख आपे से बाहर हो गई और उसके बाल पकड़कर कहने लगी, यह किसके लिए श्रृंगार बना रखा है बता पापिन, जब जाहर शहर में है ही नहीं तो श्रृंगार किसके लिए। सती सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर अपनी सील व आचरण के लिए गलत नहीं सुन सकती। वह रो रो कर कहने लगी, माताजी मैं तो पहले ही बहुत भूखी हूँ, आप मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम न लगाओ। आँख खोलकर देखो, यह नीला घोड़े या नीले घोड़े की लीद पड़ी है। आपका बेटा ही अक्सर यहाँ रात से आया करता है, ऐसा अंधेर तुम्हारे यहाँ ही देखा है। खता करे अर्जन सर्जन और जुल्म सहे जाहरवीर, और जुल्म की आग में जले उसकी पत्नी। इतना सुनकर रानी वाछल उल्टा सीधा बोलती चली गई और मारे गुस्से के बड़ी लाल पीली हुई। उसने जाहरवीर को अपने हुक्म का उल्लंघन करने के कारण मार डालने का पक्का विचार बना। अपने महल में पलंग पर जा लेटी और खूब रोई। जाहरवीर रात को रानी सीरियल के पास आया। रानी वाछल ताक में थी, उसने अपने दास दासियों को जाहर को पकड़ने की ताकीद कर दी थी। अब जाहरवीर रानी सीरियल के भवन से निकला तो एक दासी ने रानी वाछल को जाहरवीर के आने की खबर दी। वह नीले घोड़े पर चढ़ भी न पाया था कि रानी वाछल नंगी तलवार सहित आधमकी। माँ को आता देख जाहर अपने नीले घोड़े पर सवार हो एकदम एड़ लगा घोड़ा दौड़ा दिया। रानी वाछल भी गुस्से से भर चटपट अपना तेज दौड़ाने वाला घोड़ा मंगवाया और उस पर सवार हो जाहरवीर का पीछा किया, परंतु जाहरवीर के नीले घोड़े को पकड़ना आसान काम नहीं था। हार कर रानी वाछल ने आवाज़ लगाई, फौरन घोड़े को रोक लो वरना तुझे तीर का निशाना बनना पड़ेगा। पापी तू मुझे कमजोर न समझ। अपनी माता के वचन सुनकर जाहरवीर बहुत शर्मिंदा हुआ। वह श्रवण कुमार की तरह ही माता पिता का भक्त था, उसने माता से लड़कर मुकाबला करना नहीं चाहा और तीर का निशाना बनकर अपनी माता को कलंकनी व बेटी को घातनी कई तरह कहलवाना नहीं चाहा। उसने भागना ही मुनासिब समझा, उसने अपने नीले घोड़े की एंड लगाई और नीला घोड़ा भाग निकला। सामने ही भारी दलदल थी, उसमें ही नीला घोड़ा जाहर को लेकर घुस गया। नीले घोड़े व जाहर ने बचने की बड़ी कोशिश की मगर दलदल से निकल न पाए, सिर्फ पगड़ी का ही छोर दिखता रहा। रानी वाछल अपने भाग्य कोसती हुई वापस लौट गई, जिसे खबर लगी दलदल की तरफ दौड़ा दौड़ा गया। बहुत बड़ा मेला सा लग गया। काछल वाछल दोनों बहनें छाती पीट पीट कर रोई। रानी सीरियल ने रोता देख दौड़ी आई। रानी वाछल ने रानी सीरियल को गले लगा लिया और रो रो कर कहा, हमारे साथ तेरा भी भाग्य फूट गया। जाहरवीर का मरण सुनकर रानी सीरियल गुस्से से आग बबूला हो गई। रानी वाछल से कहा, हमारी जाति जिद्दी है और कम अकल न होती तो यह दिन न देखने होते। यही दशा रही तो चौहाना का राज बहुत जल्द चला जाएगा। संतों की इतनी सेवा की, गुरु ग्रंथ की उपवास औलाद हुई, फिर भी अकेली रही निपुतू की निपुती। मेरा तुम दोनों बहनों का श्राप है कि मेरा पति और मैं दोनों निर्दोष थे, मगर तुमने गलत जुल्म किए। तुम दोनों बहनें 7 जन्म की बांझ थीं और आगे 700 जन्मों तक बांझ रहोगी। यह वचन अपनी अपनी सासों से कहकर रानी सीरियल भी दलदल में जा समाई। लोगों ने रानी सीरियल जाहरवीर की जय जयकार बोली और गोगा मड़ी बना हर साल जात देकर मेला शुरू किया। गुरु गोरखनाथ ने गोगा मड़ी पर अपना एक चेला भेज दिया। वह सबको जाहरवीर का